हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंद्रा और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 आईयूसी वालों के लिए एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो सीरीज, जहां पर हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अनलाइक अदर वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, हम लोग यहां पर केवल टॉपिक को रीड नहीं करने वाले, बल्कि मेरा सारा डिस्कशन 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड होगा, विच इज URL, अंडरस्टैंड रिवाइज एंड लर्न। जी आपने ठीक सुना, अंडरस्टैंड रिवाइज एंड लर्न। हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद उन पे डेडिकेटेड एमसीक्यूज और केस स्टडीज को भी डिस्कस करने वाले। हर एक टॉपिक को मैंने चार्ट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया है, ताकि वो आपके लिए याद करना, रिमेंबर करना, रिटेन करना इजी हो जाए। बट हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद हम आपको ये जरूर बताएगा कि उस टॉपिक को आपको आंसर में प्रेजेंट कैसे करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर, विच इज प्लानिंग। एंड फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कॉन्सेंट्रेशन को एकदम हाई लेवल पे। अगर आप चाहो तो आप इस टॉपिक को कॉपी पे लिख भी सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर प्लानिंग के बारे में। एक साधारण इंसान प्लानिंग को कैसे समझता है? प्लानिंग हम लोग आज करते आने वाले कल के लिए अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए। प्लानिंग इज डन टूडे फॉर टुमारो, बट इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन का बात करें तो क्या बोलते हैं, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना पहले कि हमको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है एक टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए, हम आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक आदमी है मिस्टर अग्रवाल, और मिस्टर अग्रवाल एक राइस ट्रेडर है। उनको ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना है 5% से। अब मेरा बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्लानिंग करने के पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है या आपका गोल क्या होने वाला है। सर, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया मेरे को कहां पर पहुंचना है, व्हाट आई वांट टू अचीव इज माय ऑब्जेक्टिव। मेरे को क्या अचीव करना है इज माय गोल। गोल या ऑब्जेक्टिव हमेशा एक टाइम पीरियड पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखो, मिस्टर अग्रवाल क्या बोल रहे हैं, इनको ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना 1 साल में। अब इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने 1 साल पहले डिसाइड किया मेरा ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग इन एडवांस ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, इनको ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के अंदर। अगर टाइम फ्रेम नहीं होता है, मतलब वो आपका प्लान है ही नहीं। देर कैन बी नो प्लान विदाउट अ टाइम फ्रेम। अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको अलग अलग alternatives को formulate करना पड़ेगा। We have to formulate alternative course of action. Formulating alternative course of action. किसी भी चीज को अचीव करने का एक सिंगल तरीका नहीं हो सकता है। अगर किसी भी चीज को करने का एक सिंगल तरीका है, मतलब उसमें प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल है, एंड हेंस प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर। सो प्लीज डिसाइड, सुनेगा क्या बोल रहे हैं, फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमको डिसाइड करना है कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर प्रॉफिट को बढ़ाने का क्या तरीका है, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो, या तो आप अपने कॉस्ट प्राइस को कम कर दो, या डाइवर्सिफाई कर लो। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनाना चालू कर दो, प्रोडक्ट लाइन नया बनाना चालू करो। तो आपने क्या करा, फॉर्मुलेट किया ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर क्या करोगे, हर एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आप इवेल्युएट करोगे, और जो उनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सिलेक्ट कर लोगे, और आपका प्लानिंग खत्म। क्या मेरा बात आपको समझ में आया? देखिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला, प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद फॉर्मुलेट, क्या फॉर्मुलेट करना है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करो। सिर्फ इवेल्युएट कैसे करते हैं, हर एक ऑल्टरनेटिव का प्रोज एंड कॉन्स देखो। जैसे आपने बोला कि सर मेरे को सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, क्या हम सेलिंग प्राइस बढ़ा भी सकते हैं? नहीं। सर कॉस्ट कट करना है, क्या कॉस्ट कट करना पॉसिबल है कि नहीं? हर एक ऑल्टरनेटिव का प्रोज देखो, कॉन्स देखो, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव देखो, हर एक ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट देखो, हर एक ऑल्टरनेटिव का बेनिफिट देखो, और उनमें से जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है आप उस बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर लो। तो लास्ट टाइम अगेन एक बार, प्लानिंग मीन्स, सर प्लानिंग मीन्स आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कॉमा फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कॉमा सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्या मेरा बात आप लोगों को यहां तक क्लियर है? जी हाँ सर, क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए एक छोटा सा निमोनिक क्रिएट किया गया, एंड आई वेरी वेल अज्यूम कि आप लोगों ने कभी ना कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड जरूर देखा। तारक मेहता के उल्टा एपिसोड में एक
है जिसका नाम है सोडी, और उनका नेचर ऐसा है कि उनको गुस्सा बड़ा आता है, उनको गुस्सा बड़ा आता है। तो हम लोगों ने क्या बोला, मिस्टर सोडी जी एसी, एसी ठंडा। देखिए निमोनिक ऐसा होना चाहिए ना जो आप स्टोरी से याद रख सको, वरना निमोनिक याद रखना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो यहां पर हमारे निमोनिक है मिस्टर सोडी, सोडी कैरेक्टर, उनका दिमाग गर्म रहता है, तो मिस्टर सोडी जी एसी, और सी एक एक्स्ट्रा सी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इंपॉर्टेंस में 10 पॉइंट है और आपको 10 के 10 पॉइंटों को याद रखना पड़ेगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा आप देखना, केवल कॉन्सेंट्रेट करेगा। देखिए सबसे पहला मिस्टर, एम आर, मिस्टर, मिस्टर में पहला पॉइंट मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल, और आर का मतलब रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। पहले हम लोग दो पॉइंट को डिटेल में बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनेगा। पहला एम, एम मतलब मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल। देखिए क्या बोलते हैं, जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या होना है, जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या होना है, जैसे क्या बोला, देखिए गोल्स आर डिसाइडेड बिफोर प्लान्स आर ड्रॉन, ये हम आपको पहले भी बोला था, प्लानिंग करने के पहले आप अपना गोल डिसाइड करते हो ताकि जितने भी आपके मैनेजर्स हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं, वो अपने एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंस को समझे, उनको पता है कि मेरे एक्टिविटीज का ये रिपरकशन होने वाला है, मेरे एक्टिविटीज का ये कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल। कोई भी आदमी नीडलेस काम नहीं कर रहे, हर आदमी को पता है कि उनके एक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल। तो आपको लिखना क्या होगा, देखिए गोल्स और या ऑब्जेक्टिव्स आर ड्रॉन बिफोर प्लान्स आर मेड, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ड्रॉन बिफोर प्लान्स आर मेड, डन। इसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय अंडरस्टैंड, मैनेजर एंड एम्प्लॉय अंडरस्टैंड the purpose of their activities, उनको मालूम होता है कि उनके काम का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आप लोगों को मेरा बात यहां तक समझ में है, मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल। प्लान को बनाया जाता है, प्लान के पहले हमने गोल को सेटअप कर लिया, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय बिकम अवेयर कि उनके एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड दे अंडरस्टैंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको पता होता है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होने वाले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोलते हैं, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जब भी हम लोग प्लानिंग करने बैठते हैं, प्लान हम लोग कब कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ना, दे लुक अहेड, फ्यूचर के बारे में देखते हैं, दे लुक अहेड, भविष्य में आने वाले चेंजेस को एंटिसिपेट करते हैं, पहले से प्रेडिक्ट करते हैं कि चेंज क्या होने वाले, उन चेंज का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंपैक्ट क्या होने वाला है वो समझते हैं, और उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को डेवलप करते हैं। क्या देखिएगा, प्लीज सुना, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर आर लुकिंग अहेड, दूर बाहर में देख रहे, लुकिंग अहेड, एंटीसिपेट चेंज, क्या चेंज आने वाला है वो समझते, उस चेंज का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपैक्ट आने वाला है उसको कंसिडर करते, और उस चेंज के हिसाब से एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को डेवलप करते। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम लोग अब तक दो पॉइंट पढ़े, सबसे पहला मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल, एंड दूसरा रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल में आपको खाली क्या ध्यान रखना है कि प्लान बनाने के पहले हमने अपना गोल बना लिया, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय को पता है कि उनके एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड दे बिकम अवेयर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैनेजर्स व्हाट दे डू, चार चीज, दे लुक अहेड, फ्यूचर के बारे में देख रहे, दे लुक अहेड, अहेड देखने के कारण दे एंटीसिपेट चेंज, उस चेंज का इंपैक्ट समझते हैं, और उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरा दो पॉइंट समझ में है मिस्टर। नेक्स्ट आपका जो निमोनिक में पढ़ा था वो है सोडी, एस ओ डी आई। अब हम लोग इस चार लेटर्स को एक संग समझेंगे। सबसे पहला एस मतलब प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, जो भी निमोनिक का वर्ड है उसको हम यहां पर येलो से हाईलाइट कर दिया, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। देखिए क्या होता है, आपने जब प्लान बनाया तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि मेरे को ना ये करना है। सपोज आपने सोचा मेरे को दिन में 10 घंटा पढ़ाई करना है, ये आपने स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल पढ़ाई करोगे आप तो आपने पढ़ा देखा ना कि मैं तो केवल 8 घंटा ही पढ़ा आज, 8 आवर्स। स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के संग कंपेयर करो और देखो कितना डेविएशन है। 8-10 घंटा सोचा, 8 घंटा पढ़ा, 2 घंटे का डेविएशन। अब रीजन फाइंड करो कि भैया उन 2 घंटे जो आपने कम पढ़ा उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपने 2 घंटा कम पढ़ाई किया, ताकि अगले दिन आप अपने स्टैंडर्ड को, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सको। इसी को बोलते हैं प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। देखिए क्या बोले, प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड, 10 घंटा आपको पढ़ना है, उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड 10 घंटा, उसके अगेंस्ट में क्या कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस 8 घंटा। टू आइडेंटिफाई डेविएशन, सर 2 घंटे का डेविएशन है,
ताकि हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सके और हमारा जो इवेंट है वो हमारे प्लान के हिसाब से कंफर्म हो सके, ताकि कल जब आप पढ़ने बैठो तो आप 10 घंटे पढ़ाई करो और आपका प्लान कंफर्म हो सके। ये हो गया आपका थर्ड लेटर विच इज एस। वापस एक बार देखिए क्या बोलता है। हम लोग पढ़ रहे हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सबसे पहला पॉइंट मिस्टर एम आर मिस्टर, सबसे पहला मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल, मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल। सेकेंड आर रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सर हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? बाय फोर थिंग्स, मैनेजर्स लुक अहेड, anticipate change, anticipate करने के बाद what they do, change anticipate करने के बाद उसका impact समझते हैं और आप लोग create response develop करते हैं। So third point, S is providing standard for control। प्लानिंग क्या कर रहा है सर? प्लानिंग में सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हो जिसके अगेंस्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो, डेविएशन निकाल रहे हो और एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन ले रहे हो ताकि आपका इवेंट आपके प्लान के संग कंफर्म हो सके। फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ते SO, सोडी का SO, O मतलब इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। सर इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए जब आप किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करते हो ना तो आप रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करते। सपोज आप रात में सोए, कुछ पता ही नहीं कि सुबह उठ के पढ़ना क्या है, सुबह उठा पता ही नहीं क्या करना है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आप रात में प्लान करके सोए हो कि मेरे को ना सुबह उठ के 8 बजे पहले अकाउंट्स करना है, 8 से 10 अकाउंट्स, आधा घंटा का ब्रेक लेना है, उसके बाद मेरे को इको पढ़ना है, उसके बाद मेरे को कॉमर्स पढ़ना है, तो आपने क्या करा, जैसे ही उठोगे ना आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सीधा पढ़ने बैठ जाओगे। इसी को बोलते हैं इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। पहले हमने पढ़ा था पहला डेफिनेशन में फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया है। रात में जब आप सोए थे तो आपने बेस्ट शेड्यूल अपना बना के सोया कि सुबह मेरे को उठ के ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, दस एलिमिनेटिंग वेस्ट। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे एंड अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है उस टाइम को आप बेस्ट 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 तरीके से यूज करोगे। क्या मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। प्लानिंग में आपने क्या किया, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट किया, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट किया ताकि आप वेस्टेज नहीं करोगे और अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे। वो भी हो गया। डी मतलब होता है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या, सर्चिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके लिए हमने वर्ड क्या बना था, फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उन सारे को आप इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएट हम ऊपर आपको बताया, हर एक ऑल्टरनेटिव का प्रोस देखो, कौन देखो, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव देखो, और उनमें से जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सिलेक्ट करो। तो जब आप सिलेक्शन कर रहे हो कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग ही तो कर रहे हो ना, जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? सर प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सर हाउ इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग? फर्स्टली यू हैव टू फॉर्म्यूलेट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यू हैव टू इवैल्यूएट एवरीथिंग एंड सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। डी हो गया। आई प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए क्या बोलते हैं, प्लानिंग एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग। सर हाउ प्लानिंग एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग? हाउ? सर जब आप फॉर्मुलेट करते हो ना ऑल्टरनेटिव, जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था मिस्टर अग्रवाल का, प्रॉफिट बढ़ाना है तो उन्होंने क्रिएटिवली सोचा ना, सर एक काम करते हैं ना, सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं, कॉस्ट को कम कर देते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग। मैनेजर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड अप्लाई न्यू आइडियाज। आपको नया नया आइडिया को डेवलप करने का मौका मिल रहा है, जो बेस्ट है उसको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, और जब बेस्ट चीजों को आप अप्लाई करोगे तो सर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो डीम्ड होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्या बोलना चाह रहे, देखिए बोलता है कि जब भी आप प्लानिंग करते हो ना तो प्लानिंग क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करते हैं। प्लानिंग एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग। सर क्रिएटिव थिंकिंग के कारण आपको मौका मिलता है कि आप नए नए आइडियाज को डेवलप करो और उनको अप्लाई करो। क्रिएटिव थिंकिंग के कारण आप नए नए आइडियाज को डेवलप करते हो, उनको अप्लाई करते हो, और अगर आप नए नए बेस्ट आइडियाज को डेवलप करोगे तो आपका ग्रोथ और एक्सपेंशन डीम्ड। सर हमने कितना पॉइंट कवर कर लिया? सर हमने 6 पॉइंट कवर किया। एक बार हम फटाफट उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अंडरस्टैंड रिवाइज एंड लर्न। अंडरस्टैंड हो चुका है, अभी रिविजन। देखो क्या बोलता है, सबसे पहला सर निमोनिक था मिस्टर, और फिर हमने पढ़ा सोडी। सर एम में हमने क्या पढ़ा, मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल। सर मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल क्या पढ़ा हमने इसमें? सर बोलता है प्लानिंग के पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया,
मैनेजर्स को एम्प्लॉइज को पता है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड उनको पता है कि उनकी एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंस क्या है, उनको पता है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो कोई भी एक्टिविटी जो करेंगे ना वो मीनिंगफुल होगा. कीवर्ड्स के संगा, प्लान्स बनाने के पहले ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बिफोर प्लान्स आर ड्रॉन. मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय नो इंपॉर्टेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज एंड दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. आर रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. सर मैनेजर चार चीज करते हैं, आपको चार चीज ध्यान रखना पड़ेगा. चार चीज करते हैं सर, क्या करते हैं? दे लुक अहेड सर, दे एंटिसिपेट चेंज, अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द चेंज एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. सर थर्ड एस, एस में क्या पड़े? प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल. सर सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड सेटअप किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, इवेल्युएट किया सर डेविएशन क्यों आ रहा है और उसका रीजन फाइंड आउट किया कि सर ये डेविएशन आ क्यों रहे, ताकि वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन एंड आवर इवेंट्स कंफर्म टू द प्लान. सर नेक्स्ट ओ, ओ में हमने क्या पढ़ा? सर ओ में हमने क्या पढ़ा? ओ में हमने पढ़ा इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन. इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन. सर इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन कैसे इंप्रूव होता है? तो बोलता है देखो जब भी आप प्लान बनाते हो ना, तो सब कुछ आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, आपका वेस्टेज नहीं होगा और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. सर उसके बाद डिसीजन मेकिंग. सर डिसीजन मेकिंग तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मुलेट करो अल्टरनेटिव, जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करो, और जब आप बेस्ट को सिलेक्ट करो मतलब कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो. सर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इट प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. सर हाउ इट प्रमोट्स इनोवेशन? जब भी आप प्लानिंग करते हो ना सर, प्लानिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग. इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग. तो मैनेजर को मौका मिलता है कि वो नए आइडियाज को डेवलप करे और उनको अप्लाई करे. सर डेवलप करे और अप्लाई करे, और इस सब में आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, ये डीम्ड. सर एस ओ डी आई डन. सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ड जी में. सर बड़ा इजी, सोडी जी था जी. सर जी मतलब होता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हम आज कहां खड़े हैं और हमको भविष्य में कहां पहुंचना है, इस चीज को ब्रिज करने का काम कौन करता है? प्लानिंग करता है. सर प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन आवर प्रेजेंट पोजिशन एंड आवर फ्यूचर पोजिशन. इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन आवर प्रेजेंट पोजिशन एंड फ्यूचर पोजिशन. क्या मेरा बात क्लियर है? सर उसके बाद ए सी सी, ए सी सी, तीन पॉइंट बचा. ए सी सी, ए मतलब फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव. देखिए ये बात वापस से रिपीट हो रहा है कि सर प्लान बनने के पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेटअप किया. सर प्लान बनने के पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेटअप किया. दीज ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग. इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए तो आप अपने ऑल्टरनेटिव को फॉर्मुलेट करोगे. आप थोड़ी ना कोई भी ऑल्टरनेटिव निकाल लोगे. आप ऑल्टरनेटिव को जब फॉर्मुलेट करोगे तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करोगे, और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे उसको भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करोगे. मतलब अगर आपने अपना प्लान बनाया ना प्रॉपरली, तो हाई चांस है कि भैया आपको ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं प्लान के पहले, और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, एंड हेंस इट सेव्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम नीडलेस एक्टिविटीज. नीडलेस एक्टिविटी से, एडहॉक एक्टिविटी से आप बच जाते हो. अनसर्टेन कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हो आप, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो आप, नीडलेस कोई भी काम नहीं कर रहे हो. जो काम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जरूरत है केवल, आप वही काम को कर रहे हो. क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव. प्लान बनने के पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेटअप किया है. ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले रहे हो, ताकि आप कोई भी नीडलेस एक्शन, कोई भी एडहॉक डिसीजन, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन आप ले सको. तो ए लास्ट, सी एंड सी, सी और सी. ये नेक्स्ट पॉइंट आपका बड़ा सिंपल सा है. ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ केओस. सर केओस मतलब क्या होता है? सर केओस कब होगा? जब कोई चीज पहले से डिसाइडेड ही नहीं है, जब पहले से प्लान ही नहीं बना हुआ, तभी तो केओस होगा. सो बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन. ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट एक चैप्टर बाद में करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहां पर एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. प्लानिंग के कारण क्या होता है ना, सब कोई को पता है कि मेरे को क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, सबको पता है, और सब एक ही दिशा में काम करे. केओस नहीं क्रिएट हो रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा. ऐसा नहीं हो रहा है कि एक काम को आप भी कर ले रहे हो, मैं भी कर ले रहा हूं, या आपने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया. तो ब्रिंग ऑर्डर इन प्लेस ऑफ केओस, इसमें एक वर्ड हम लोग यहां पे ऐड कर सकते हैं, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग. काम का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, काम का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है. डुप्लीकेशन मतलब सर एक काम को आप भी कर रहे हो, एक काम हम भी कर रहे हैं, दोनों कर ले रहे. ओवरलैपिंग मतलब आपने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया. केओस वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि सब कुछ पहले से एडवांस में डिसाइडेड है. क्या मेरा बात समझ में है? एंड लास्ट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिएगा
प्लानिंग में हमने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है सर, प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है और बहुत सारे लोग भी हैं। अगर हर इंसान अपने अपने दिशा में काम करे, अलग अलग गोल के लिए काम करे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सर कभी भी नहीं चल सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का बंद होना निश्चिंत है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, अगर सबका गोल अलग अलग हुआ तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बंद होना निश्चिंत है। इसीलिए क्या बोलता है, जब आप प्लान करते हो ना, कॉमन गोल्स और टारगेट आप सेट करते हो, हर के लिए कॉमन गोल है। एक बड़ा गोल है, जैसे मान लो सेल्स को इंक्रीज करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, ये हमारा कॉमन गोल है। इसी गोल के हिसाब से हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल ने अपना अपना गोल डिसाइड करके रखा है, हर इंडिविजुअल ने अपना टारगेट डिसाइड करके रखा है। सो कॉमन गोल्स एंड टारगेट हेल्प टू हार्मोनाइज द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल। सर हार्मोनाइज द एफर्ट मतलब सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कॉमन गोल्स एंड टारगेट हेल्प्स टू यूनिफाई एफर्ट, हेल्प्स टू हार्मोनाइज एफर्ट, सबको एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के कारण क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। सर वापस एक बार, जब कॉमन गोल होता है, जब कॉमन गोल होता है, जब कॉमन टारगेट होता है, जब कॉमन गोल और टारगेट होता है, तो हर कोई का एफर्ट यूनिफाई होता है, हर कोई का एफर्ट हार्मोनाइज होता है, और इसके कारण आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आता है। वापस एक बार हम लोग आज जितना कुछ पढ़े उसको एक बार रिवाइज करते हैं जस्ट वेरी क्विकली, प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेशन एकदम देखिएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को याद रखने का तरीका क्या है, मिस्टर सोडी जी को बड़ा गर्मी लगता है एंड उनको एसी चाहिए ठंडा होने के लिए, तो निमोनिक क्या बना सर, मिस्टर एस ओ डी आई, सोडी जी ए डबल सी, सी एक एक्स्ट्रा है। सबसे पहला एम, एम का मतलब मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल, आर का मतलब रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, सर एस का मतलब प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, सर ओ का मतलब इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, सर डी का मतलब फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, और आई का मतलब इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एक एक लाइन हम सबके बारे में बोलते हैं। सबसे पहला सर एम में क्या बोला, मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल। ऑब्जेक्टिव प्लान के पहले बना हुआ है, मैनेजर को एम्प्लॉय को पता है कि उनके काम का इंपॉर्टेंस क्या और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। सर रिड्यूसेज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिड्यूसेज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, मैनेजर्स लुक अहेड, एंटीसिपेट चेंज, कंसिडर द इंपैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। सर एस का मतलब प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, डेविएशन निकाल रहे हो और करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। सर उसके बाद इंप्रूव इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन, सर वेस्ट कम होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा। सर डी मतलब डिसीजन मेकिंग, सर डिसीजन मेकिंग कैसे, फॉर्मुलेट ऑल्टरनेटिव, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हो गया डिसीजन मेकिंग। सर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, ड्यूरिंग प्लानिंग मैनेजर गेट टू डेवलप न्यू आइडियाज, अप्लाई न्यू आइडियाज, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन तो है नहीं है। उसके बाद सर जी, सोडी हो गया जी, सर जी का मतलब क्या होता है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कहां हो और कहां पहुंचना है, इस गैप को ब्रिज करने का काम करता है प्लानिंग। सर लास्ट तीन वर्ड्स एसीसी, ए में हम लोगों ने क्या बोला प्लीज सुनना, सर ए का मतलब फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव, आपका फोकस आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में होता है, नीडलेस एक्शन आप नहीं लेते हो। उसके बाद सी का मतलब ब्रिंग्स रिमूव्स केओस, केओस खत्म करते हैं, brings order in place of chaos, chaos create नहीं करता, needless action नहीं होता है। And last coordination, जितने भी आपके departments हैं, जितने भी आपके individual हैं, क्योंकि there is common goal, there are common targets, where there is harmonization of effort, लोग एकजुट होकर काम करते हैं, harmonize होकर काम करते हैं, जिसके कारण आपका common goals achieve होने में help होता है। So this takes care of आज का session, हम लोग next session में आगे बढ़ेंगे जहां पे हम लोग लिमिटेशन वगैरह टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप लोग को आज के डिस्कशन से कुछ भी फायदा हुआ तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, पढ़ाई करते रहो और ट्राई करना इन टॉपिक को आज के आज ही आप याद कर लो, ताकि आपका पूरा कॉमर्स मेरे साथ साथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।